हमने बोला लड़की पंजाबी है, 2 मिनट्स लेटर हम हाथ ठाके मारके हंस रहे हैं और हम हाई फाइव दे रहे हैं. लाइक वो वाइब और वो ऑरा और वो एनर्जी मुझे फैमान से मिली, जैसा हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं ऑफ कैमरा वो ऑन कैमरा भी वैसा दिखे. ये लड़की ऐसी है कि इससे प्यार करना बहुत आसान है. हाय, आई एम गुरप्रीत बेदी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चस्का. सो हाय गाइज, वेलकम टू टेली चस्का. आज हमारे साथ है गुरप्रीत. गुरप्रीत, आपसे आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे न्यू शो धर्म पत्नी के लिए. थैंक यू. सो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है इन दिनों जो शोज हम देख रहे हैं. ऑब्वियसली एक कंपैरिजन होता है. Correct. तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है कॉन्सेप्ट को लेकर, स्टोरी लाइन को लेकर, फिलहाल जितना आपको पता चला है उस हिसाब से? जी, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये जो स्टोरी लाइन है ये ऑब्वियसली दो कपल्स की है. एक चंडीगढ़ से हेल करते हैं जो बहुत एफ्लुएंट फैमिली से हैं, एक गुजरात से हैं जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं. ऑल्सो ये जो स्टोरी लाइन है, अब इनकी लाइफ में कैसे इंटरट्वाइन होती हैं और कैसे एक दूसरे को कब कहाँ कैसे मिलते हैं, जो इस स्टोरी लाइन का या स्टोरी का विलन है वो लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं. कोई इंसान नहीं है, कोई बंदा नहीं है. तो जब आप बाकी शोज़ देखते हैं उसमें हमेशा एक प्रोमिनेंट विलन रहता है कि अरे ज़िंदगी बिगाड़ने आए हैं या यू नो थोड़ा सा तकलीफ़ में देने आए हैं. बट इस शो में ऐसा कुछ है नहीं. जो विलन है वो सर्कमस्टांसेस हैं जो हमारी लाइफ में भी होता ही है. तो बहुत क्लोज टू रियल लाइफ है, तो लोगों के लिए भी रिलेटेबल होगा किसी ना किसी लेवल पे. सो दैट्स व्हाट आई थिंक मेक्स दिस शो डिफरेंट देन द अदर्स. ओके, अगर आपको ऑफर की बात करूँ, जब आपको ऑफर आया था तो आपका फर्स्ट थॉट क्या था कि किस तरीके से होगा, या यू वर लाइक ओके दिस इज़ इट आई कैन डू इट, ऐसा कुछ था? नहीं, एक्चुअली जब इन्होंने मुझे कॉल किया था तो मुझे 2 मिनट के लिए लगा ये मुझे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना क्लोज था टू द पर्सन आई एम. उन्होंने बोला लड़की पंजाबी है, शी इज़ ब्यूटिफुल, उसका स्माइल बहुत अच्छा है, सो एवरीबडी फॉल्स इन लव विद हर, इट्स वेरी ईजी फॉर एवरी वन टू फॉल इन लव विद हर. वो इतनी वॉर्म था और वो ऐसे हेल्प. तो मैं सुन रही हूँ मैं का क्या कीर्ति नाम है कि गुरप्रीत नाम है कैरेक्टर का, बिकॉज इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं. तो वो एक इंस्टेंट कनेक्ट मुझे मिला जहाँ पर मैं कीर्ति से कनेक्ट कर पाई इंस्टेंटली. ऑब्वियसली अगर आप बात करें प्रोडक्शन की तो बालाजी प्रोडक्शंस हैं, एकता मैम्स, ऑल शोज़ आर आइकॉनिक. तो I feel I'm blessed to be a part of one of those shows with color specifically. The whole amalgamation of everything, the show, the team, I mean, why would I say no to something like this? So, yeah. Okay, apart from this, आपके co-actor की बात करो, फैमान हो गया एंड बाकी आकाश है, तो सारे ही के साथ बॉन्डिंग की बात करें तो कितना रहा है एंड अभी कितना आप लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं? सी, अभी हम एक दूसरे को जानने के फेजेस में हैं, बट जितना जान पाए हैं मुझे ऐसे लगता है कि एक सेट पे क्या होता है ना, आपकी वाइब मैच करे वो बहुत ज़रूरी है. yes. मेरे प्रीवियस शो में भी यही था, जहाँ पे हम कोई 15-20 लोग थे कास्ट में और हर एक इंसान एक दूसरे से जुड़ा था, फिर जो शूट करने का मज़ा आता है वो अलग होता है. yes. और वो केमिस्ट्री, वो कमराडरी, वो आपको सीन्स में दिखती है, वो वाइब आपको फील होती है. तो मैं होप कर रही हूँ कि इस शो के साथ भी, अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है शूट करते हुए, पर जैसे जैसे होंगे मैं होप कर रही हूँ कि वही इंटेंसिटी, वही वाइब, वही पॉजिटिविटी सेट्स पे भी मुझे यहाँ देखने को मिलेगी. मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है, बट लेट्स सी एज एंड व्हेन शूट और हो गया, हम चारों इकट्ठे करेंगे तो कैसा होगा. सो फैमान के साथ अगर मैं फर्स्ट मीट की बात करूँ या फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करूँ तो वो किस तरीके का था एंड व्हाट डिड यू फील लाइक कि क्या था और क्या पर्सपेक्टिव चेंज हुआ मिलने के बाद? एक्चुअली कुछ चेंज नहीं हुआ. तो मैं जब फर्स्ट टाइम फैमान से मिली थी ऑफिस में, इतना हुआ हाई एम गुरप्रीत, हाई एम फैमान, कट टू 2 मिनट्स लेटर हम हाथ ठाके मारके हंस रहे हैं और हम हाई फाइव दे रहे हैं. इट्स लाइक ऐसा फील नहीं आया मैं तुमसे 2 मिनट पहले मिली. एंड ही इज़ लाइक आई मैन ट्रू, ये कैसे हो? मैं कहा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. मे बी कई चीज़ें मेंट टू भी होती हैं लाइफ में. कई आपको होता है कि अच्छा इनके साथ काम करना लिखा था मेरा या उनके लिए लिखा था, तो वो केमिस्ट्री खुद ब खुद बन गई. वो कैसे हुआ मुझे आज तक समझ नहीं आया. और उसके 5 मिनट बाद हम नीचे ऐसे राउंड मार रहे थे, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे मैं उनको बचपन से ही जानती हूँ. मैं कहा यार ये अच्छा हो गया एक चीज़, क्योंकि क्या है कि कैरेक्टर भी ऐसा है कि आप उसको बचपन से जानते हो.
तो जब वो वाइब और वो ऑरा और वो एनर्जी मुझे फैमान से मिली तो मैंने वो रेसिप्रोकेट भी की, तो वो एकदम से एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है आपका. तो आई थिंक आई फेल्ट दैट विद फैमान एंड आई होप कि वो दिखे. मैं बस इतना ही चाहूँगी कि वो जैसा हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं ऑफ कैमरा, वो ऑन कैमरा भी वैसा दिखे. यस, जब से प्रोमोज आउट हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस की यू नो प्रशंसा आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिली रही होगी. आपको फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स का कुछ ओपिनियन आया है कि थोड़ा सा ऐसा या बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है? मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है कि फैंस कभी झूठ बोलते नहीं हैं और वो बहुत अच्छी चीज़ है. तो आपको पता है कि अगर वहाँ से फीडबैक आ रहा है तो वो गलत नहीं है. और वो मैं एक एक चीज़ पढ़ती हूँ, मैं एक एक चीज़ देखती हूँ, क्योंकि वो इन द एंड ऑफ द डे ये आपका काम है और आपको देखना है कि किसको अच्छा लग रहा है किसको नहीं. मैं ब्लाइंडली तो ऐसे करती जाऊँ और किसी को अच्छा ना लगे वो भी नहीं मैं कर सकती. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा, किसको अच्छा लग रहा है, मेरी लुक नहीं अच्छा लग रही, मेरी एक्टिंग कैसी लग रही है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें. बिकॉज एक वही चीज़ें जो एक्टर को बनाती हैं. तो मेरे लिए ऐसे फीडबैक आना जो इतने पॉजिटिव थे आफ्टर द प्रोमोस, आई वाज फ्लडेड विद मैसेजेस, डीएम्स, चाहे वो फ्रेंड्स हों, फैमिली हों, फ्रेंड्स जिससे लास्ट कभी स्कूल में बात की होगी उनके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं. आई वाज लाइक वाओ, तो कुछ तो अच्छा होगा जो इतना यू नो उसका फीडबैक इतना अच्छा आया. वी वर ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, तो हर एक का नाम अलग से ट्रेंड कर रहा है कैरेक्टर नेम का. सो आई वाज लाइक, मतलब कुछ सबको अच्छा लगा तो ये हुआ. तो दैट फीलिंग इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी. ओके, एक तो ये होता है कि ऑडियंस की आपके साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है जब प्रोमो आता है, लेकिन आपकी ऑडियंस को ऑडियंस के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है? लाइक किस तरीके से अपना कैरेक्टर इम्प्रोवाइज करना चाहेंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में यू नो और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे ऑडियंस के साथ? सी, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कैरेक्टर ऑलरेडी वैसा है जो इन सब के लिए, अब वो लिखा ऐसा गया है और मुझे हर कोई ये बोलता है कि ये लड़की ऐसी है कि इससे प्यार करना बहुत आसान है. मैं सोच रही हूँ ये दिखाना आसान नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा बंदा बनना या ऐसी एक्टिंग करना है कि हर कोई आपसे प्यार करे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जोन है. कहने को बहुत आसान है कि अच्छा हाँ सही लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी एक्ट, बट जब आप उसमें घुसते हैं तो एक प्रेशर के साथ भी घुसते हैं, सोचते हुए कि यार इतने आपको मैसेजेस आ रहे हैं, वी कांट वेट टू वॉच यू, वी कांट, तो एक ऐसा प्रेशर फील होता है यार कि आप जब देखो तो आपको बस अच्छा लगे. तो आई थिंक उसके लिए जो एक्स्ट्रा मेहनत जाती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जाती हैं अंदर, आप अपने आप पे वर्क करते हैं, आप अपने चाहे वो लुक पे हो कि अच्छा उनको क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि हर चीज़ आप ऑडियंस के हिसाब से ही करते हैं क्योंकि शो उनके लिए बन रहा है. तो इसलिए वो एक्सपेक्टेशंस मतलब मेरी वैसे हो जाती हैं कि यार आई जस्ट होप कि जो इतना लंबा उनको वेट करा रहे हैं वो प्रोमोज निकाल के, टीजर्स निकाल के, इन द एंड ऑफ द डे वो जब निकल के आए तो ऐसा निकल के आए जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो बस उसी के लिए मेहनत चल रही है. सो वी बेसिकली वर्क फॉर देम. सो लास्टली, फैंस एंड व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? नया शो है, नई उम्मीदें हैं, तो क्या स्पेशल मैसेज? लाइक आई सेड, हम सारे ये टीम कलर्स, बालाजी प्रोडक्शंस, हम बहुत मेहनत करते हैं एक शो को साथ लेकर आने में, एक कास्ट को साथ लेकर आने में, सीन्स बनाने में. तो आई रियली होप आप सब वो मेहनत अप्रिशिएट करें. आई रियली होप आपने जितना प्यार वो प्रोमोस को दिया है उतना प्यार आप एपिसोड्स को भी देंगे और हर एक किरदार को आप पसंद करेंगे एंड रिलेट कर सकेंगे. तो अगर आपको ड्रामा पसंद है, थोड़ी खट्टी मीठी बातें पसंद हैं, थोड़े रिलेशनशिप्स पसंद है, लव एंगल पसंद है, बचपन की दोस्ती पसंद है, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारा शो ज़रूर देखिएगा, प्यार के साथ वचन, धर्मपत्नी, कलर्स पे 8 बजे मंडे टू फ्राइडे. कब से? 28 नवंबर से.